सारे कलर्स बता देता हूँ आपको। तो इसमें प्रूशियन ब्लू यूज होगा, प्रूशियन ब्लू, उसमें ब्लू का ज़्यादा यूज है, ब्लू इंडिगो कलर, इंडिगो कलर ओके। एंड सेरिलियम ब्लू, सेरिलियम ब्लू अच्छा लगेगा इसमें, सेरिलियम वॉयलेट कलर, वॉयलेट, देन वर्मिलियन, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे वर्मिलियन के थोड़े से क्रिम्सन कलर ओके। देन बर्न सियाना, बर्न टम्बर थोड़ा ज़्यादा यूज होगा इसमें, बर्न टम्बर एंड येलो ऑकर थोड़ा ज़्यादा यूज होगा। एंड देन लेमन येलो ओके, और थोड़ा सा सैग्रीन लगेगा। एंड सैप ग्रीन लगेगा ओके। हाँ तो स्टार्ट करो। तो फर्स्टली हमेशा स्काई से ही चालू करूँ, स्काई से। हेलो आशुतोष, आप रेडी हो ना? हाँ आप रेडी हो ना? हाँ, स्केच हो गया ना आपका? स्केच कंप्लीट हो गया? अच्छा ठीक है। तो मैं एक छोटा सा इसका रफ बना के दिखा देता हूँ इधर, पहले कैसे एक लेआउट बता देता हूँ कैसे होने वाला है। आप कौन से साइज के पेपर पे कर रहे हो? ओके अच्छा, मेरा भी ये 3 आज ठीक है। तो पहले जैसे मैंने अभी बोला है, मैंने सारा ऑलमोस्ट सब पेंटिंग में एक वॉश कर लेने पे अच्छा रहेगा पूरे पेंटिंग पे ओके। इसमें लेकिन वाइट्स छोड़ने के, जैसे कि इसमें हाइलाइट्स है, जैसे यहाँ पे हाइलाइट है, ये साइड ये वाला पोर्शन हाइलाइट है, इधर इतना ये वाला पोर्शन लाइट का सोर्स किधर, इधर से है लाइट का सोर्स, इधर से है तो ये साइड वाला पोर्शन डार्क रहेगा, ये साइड वाला पोर्शन पूरा लाइट रहेगा। तो इधर हाईलाइट पूरा प्योर वाइट छोड़ने का है, तो उधर वॉश नहीं करने का हम लोगों, और पूरा पेंटिंग बाद उसको छोड़ के वॉश कर सकते हैं। तो जैसे हाँ उसमें फिर एकदम थोड़ा सा थोड़ा इंडिगो कलर है, हम लोगों ने जो इंडिगो कलर निकाला है वो थोड़ा थोड़ा, पानी ज़्यादा रहेगा इसमें चलेगा क्योंकि ऐसे थोड़ा थोड़ा, और दूर का जो माउंटेन रहता है हमेशा ही ग्रे स्टोन में रहता है, नहीं तो वॉलेटी स्टोन में रहता है, उसमें कोई प्योर परमानेंट पूरा ब्राउन कलर दिखना नहीं चाहिए, ऐसा कोई कलर दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग वॉलेट या फिर इंडिगो कलर दे सकते हैं। वो ब्राउन कलर देंगे तो लगेगा वो क्लाउड दूर का है, और ऐसे क्लाउड अगर फॉगी बनाने का है, क्लाउड्स को अगर फॉगी करने का है, तो उसको गीले गीले में देंगे तो फॉगी लगेगा, मर्जा हो जाएगा ऐसे। हाँ इंडिगो है, नहीं तो वॉलेट भी चलेगा, ये इंडिगो कलर है, फॉगी लगेगा, नहीं अगर आप हाँ ठीक है वेट ऑन वेट देंगे तो फॉगी लगेगा ओके। ये इंडिगो कलर दिया, एकदम लाइट इंडिगो का लाइट है, क्योंकि जो हम लोग का बैकग्राउंड है पूरा फॉगी दिखाने का है, पूरा फॉग है उधर, तो जो सारा फॉगी के सारे वर्क होते हैं वो सारे वेट ऑन वेट में होते हैं। ये हो गया ऐसे, उसके बाद नीचे की ओर सिर्फ जो ये माउंटेन दिए हैं उसका सिर्फ ऐसे पानी गिरा दीजिएगा, बस ऐसे हो जाएगा, सिर्फ नीचे की ओर ऐसे पानी गिरा, पानी सिर्फ और कुछ नहीं, कोई बिना कुछ कलर के। इसके लिए मोव ब्रश अच्छा रहता है, मोव ब्रश बड़े ब्रश रहते हैं, उसमें पानी ज़्यादा एक बार में आता है। फिर साथ में ही
बोट में भी फर्स्ट लेयर लाइट जहाँ पे हाईलाइट को छोड़ के फर्स्ट लेयर बोट में ही पड़ जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट लेयर येलो, मैं येलो का ही दूंगा। मैं मोस्टली रिकमेंड ये करता हूँ कि फर्स्ट लेयर में येलो कराना चाहिए, क्यों नीचे का कलर फर्स्ट लेयर लाइट देने के बाद शाइन करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, जैसे कि ये जैसे गीले में ऐसे दे देंगे तो चलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर टच होगा। वो हाईलाइट उधर से हाईलाइट है, लेकिन इधर येलो कलर दे सकते हैं क्योंकि इधर हम लोग को ब्राउन कलर देने का ही है, ये वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन हाईलाइट छोड़ने का है। और फिर इधर जो ये जो बैकग्राउंड का बोर्ड है उसमें आज डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बताऊंगा उसमें करते हुए। ओके बस ये हमारा फर्स्ट लेयर ऐसे पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा फर्स्ट लेयर में ये थोड़ा थोड़ा बस ऐसे फर्स्ट लेयर में थोड़ा थोड़ा ऐसे टच कर सकते हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ कम पानी रख के इसमें ऐसे इतना फर्स्ट लेयर हम लोग ऐसे ही देने का। फर्स्ट लेयर में अगर पानी कलर उधर उधर थोड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट लेयर में कहीं पे भी कलर जाएगा तो लाइट कलर ही रहता है, डार्क कलर फर्स्ट लेयर में का ज़्यादा यूज नहीं करने का, और लाइट कलर कहीं पे भी चलेगा तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं चालू करता हूँ ऐसे, मतलब मेन पेंटिंग करने के पहले ऐसे एक रफ ड्राइंग करके लेने पे थोड़ा आइडिया मिलता है और थोड़ा जो मन का डर रहता है वो चले जाता है थोड़ा। ओके हाँ इसमें सॉल्यूशन बना के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जो वेट मैं क्या बताया जैसे वेट ऑन वेट करने के बाद उसमें पानी बहुत कम यूज होना चाहिए, पानी ब्रश अगर हम लोग पूरा पेपर गीला करते हैं उसके बाद, पेपर गीला करने के बाद अगर हम लोग कलर डालते हैं तो जब कलर डालेंगे उसमें ब्रश में पानी कम होना चाहिए। ओके जैसे मैं पेपर गीला कर रहा हूँ उसके बाद जो कलर डालूंगा उसमें पानी कम होना चाहिए, क्योंकि वो अगर पानी ज़्यादा दूंगा तो पूरा नीचे स्प्रेड हो जाएगा, ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। पूरा पूरा मतलब बोर्ड को छोड़ के हाँ चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं, वो पीछे भी पीछे के सारे सिर्फ डार्क कलर्स में हैं तो लाइट के ऊपर डार्क आराम से चढ़ जाएगा, लेकिन डार्क के ऊपर लाइट वाटर कलर में नहीं चढ़ेगा, वाटर कलर में लाइट टू डार्क जाते हैं, और बाकी जो मीडियम है ऑयल पेंट एक्रेलिक्स वो सब में डार्क टू लाइट जाते हैं, पहले डार्क पूरा डार्क डार्क कलर कर देंगे उसके ऊपर लाइट चढ़ाएंगे हम लोग ऑयल पेंटिंग में, लेकिन बट वाटर कलर में क्या होता है कि डार्क के ऊपर लाइट चढ़ा नहीं सकते, गंदा देखिएगा। हाँ उसका ऑयल पेंट का धूल लेगी, फर्स्ट लेयर उसका डार्क पड़ता है और वाटर कलर में फर्स्ट लेयर लाइट पड़ता है। अगर बाई चांस करते करते पेपर सूख जाता है तो स्प्रे गन से ऐसे गीला कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं इंडिगो कलर दे रहा हूँ, इंडिगो कलर में पानी कम भी रखेंगे या ज्यादा भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि इंडिगो कलर एकदम लाइट लेने का, एकदम उसमें डार्क नहीं लेने का, जैसे कि कल मैंने येलो कलर लिया था तो फिर वो लाइट लिया था तो बाद में आके ऑलमोस्ट व्हाइट ही हो गया था वो। ओके कल जैसे क्या पूरा कर दीजिए चलेगा उसके ऊपर से, जैसे मैं कर रहा हूँ देखिए मेरा पेपर व्हाइट है पूरा। ओके लाइक दिस ज़्यादा डार्क नहीं लेने का इसको। बोर्ड के यहाँ पे संभाल के रहने का थोड़ा, ये ले बोर्ड पे चढ़ा सकते हैं, जो पीछे वाला जो बोर्ड है बैकग्राउंड का जो बोर्ड है उसके ऊपर इंडिगो कलर चढ़ा देंगे तो चलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा पेंट कर दिया, जो पीछे वाला बोर्ड पे उसको भी पेंट कर दिया।
फिर बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग माउंटेन में पेंट करने आए क्योंकि सूखना नहीं चाहिए। तो मैं माउंटेन में थोड़ा सा इंडिगो कलर ले रहा हूँ और उसमें थोड़ा सा वॉलेट कलर मिक्स कर रहा हूँ और पानी कम होना चाहिए उसमें, माउंटेन में पानी कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ऑलमोस्ट नहीं होना चाहिए सिर्फ क्योंकि उसमें पानी जाएगा तो उसमें नीचे स्प्रेड हो जाएगा, उसमें स्प्रेड होना होना नहीं चाहिए। हाँ और सिर्फ एकदम सूखा कलर लिया मैंने और कुछ नहीं लिया इसमें, और ज़्यादा थोड़ा सा डार्क लीजिएगा क्योंकि सूखने के बाद अपने आप वो लाइट हो जाता है, कलर लाइट हो जाएगा अपने आप। हम लोग जब कलर डालते उस समय लगता है कलर बहुत डार्क पड़ता है लेकिन सूखने के बाद पूरा लाइट हो जाता है। मतलब पानी ब्रश में नहीं होगा तो ऐसा इफेक्ट आएगा, ब्रश में पानी आएगा तो पूरा ये नीचे नीचे आ जाएगा। फिर एक जीरो नंबर का राउंड ब्रश आता है, जीरो नंबर के राउंड ब्रश से ब्राउन कलर लेने का, बर्न्स याना कलर है, बर्न्स याना और थोड़ा सा अल्ट्रामैन कलर मिक्स करने का है, नहीं तो कोई भी प्रूसियन ब्लू भी चलेगा। ओके बर्न्स याना में थोड़ा सा ब्लू मिक्स करने का है और यहाँ पे एक जो मीटिंग लाइन है जैसे मैं कल लिया था यहाँ पे वेट ऑन वेट में देने का है, एक मीटिंग लाइन को थोड़ा क्लियर करने का है। थोड़ा सा ब्लू कलर कोई भी प्रूशियन ब्लू नहीं तो कोबाल्ट ब्लू या फ्रेंच अल्ट्रामरीन, दोनों में से तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। गीले गीले में होना चाहिए ओके, तो अच्छे से मर्ज अप हो जाएगा। ओके यहाँ तक हुआ ठीक है, फिर एक बड़ा फ्लैट ब्रश लेके काम कर सकते हैं। अगर नीचे का पेपर सूख गया होगा तो इसको छोड़ेगा, इसको टच मत कीजिएगा ओके, नीचे से वैसे वॉश कर, हाँ ठीक है नहीं सूखा रहेगा तो भी चलेगा लेकिन इसको टच मत कीजिएगा, उसको थोड़ा सा नीचे से पूरा पेपर एक बार वापस गीला कर लीजिए, नहीं 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 उसका नीचे नहीं आना चाहिए। और वॉश कहाँ तक करने का है, जैसे ये बोट है, ये बोट का शेडो यहाँ पे वाटर का जो रिफ्लेक्शन है ये साइड से लाइट आ रहा है तो रिफ्लेक्शन ये साइड भी लाइट रहेगा, तो वो लाइट वाले रिफ्लेक्शन को छोड़ के ये वाला जो लाइन है बोट का पूरा स्ट्रेट लाइन खींचे यहाँ तक पूरा वॉश कर सकते हैं हम लोग बोट को छोड़ के यहाँ तक ये नहीं कुछ कलर नहीं है पूरी सिर्फ पानी है ये सिर्फ मैं कलर नहीं लिया मैंने अभी सिर्फ वाटर है पानी है सिर्फ इसके बाद क्या करने का है एकदम लाइट कलर प्रूशियम ब्लू का एकदम लाइट कलर ओके प्रूशियम ब्लू का एकदम लाइट कलर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिराने का नीचे की ओर उसका मिक्सर बना हुआ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है पूरा मिक्सर बना के कीजिएगा नहीं तो क्योंकि प्रूशियम कलर डार्क रहता है तो फिर वो उसका पूरा अगर ज़्यादा डार्क हो गया तो पूरा अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से ऐसे नीचे की ओर गिराइएगा कलर को ओके okay, और नीचे की ओर थोड़ा ब्लू यहाँ पे ये वाला पोर्शन में थोड़ा ब्लू ज़्यादा गिराइएगा ये नीचे वाला पोर्शन में ये वाले पोर्शन में थोड़ा ब्लू ज़्यादा आना चाहिए
और मेरा भी थोड़ा सा हुआ है, लेकिन बाद में सूखने के बाद थोड़ा ठीक हुआ था। नीचे नीचे की ओर थोड़ा ब्लू ज्यादा गिराइएगा। ओके, ऐसे नीचे की ओर लाइन खींचने का, ऐसा ऐसा कीजिएगा कि नीचे की ओर लाइन लाइन आना, लाइन जैसा आना चाहिए। क्या? हाँ सेम कलर है। नीचे को ऐसा कीजिएगा कि नीचे को ऐसा लाइन ऐसे 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 नीचे नीचे आना चाहिए, ब्रश का स्ट्रोक ऐसा आना चाहिए। ओके, फिर बोट में भी फर्स्ट लेयर हम लोग दे देंगे। अभी बोट का जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर में हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि येलो ही दीजिए तो अच्छा रहेगा, येलो कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा, एकदम लाइट येलो का, पूरा एक साइड टावर चला देंगे तो चलेगा, येलो कर, और नीचे में टच भी कर देंगे तो चलेगा, ऐसे नीचे नीचे की ओर ज़्यादा गिरेगा तो भी चलेगा। ये जो लैंड है, लैंड को भी येलो कर दीजिएगा, नीचे जो जमीन दिख रहा है उसको भी येलो कलर में कर दीजिएगा। नहीं येलो कर, येलो कलर का तो और थोड़ा डार्क कलर है, थोड़ा सा डार्क है लेकिन सूखने बाद लाइट होगा वो, उस पर पानी लाइट ही लीजिएगा, लेकिन लाइट कलर ही हो। लाइट कलर ही बाद में, ये बार ऐसे करने के बाद ऊपर से आप स्प्रे कर दीजिएगा, लाइट हो जाएगा थोड़ा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो इतना ये फर्स्ट लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर होने का ड्राई अप होएगा थोड़ा। क्या ओके ओके, एक सेकेंड। क्या? एक सेकेंड एक सेकेंड। मैंने ग्रुप पे भेज दिया है। ओके आया। ओके ठीक है।
स्क्रीन आया वापस, ठीक है। ओके ड्राइप हो गया क्या? हेलो, हाँ हाँ हेलो आशुतोष, स्क्रीन आया वापस आपका? हेलो आशुतोष, स्क्रीन आ गया ना? ठीक है, तो इसको ड्राई अप होने के लिए, ठीक है ड्राई, हाँ ठीक है ड्राई अप होने के लिए, जब तक मैं इसमें बता देता हूँ सेकंड लेयर में हम लोग क्या कर लेंगे। ओके तो पहले हम लोग बोर्ड कंप्लीट कर लेंगे, जो बोर्ड का कलर है मैं बताता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। जो बोर्ड का कलर है यहाँ से लेके यहाँ तक का कलर हम लोग को एक साथ करने के, जैसे कि ऊपर व्हाइट का जो कलर रहेगा, व्हाइट अगर व्हाइट कलर पे हम लोग शेड पड़ेगा, अगर व्हाइट कलर पे शेड पड़ेगा तो फिर उसका जो कलर रहेगा ग्रे स्टोन मिलेगा, और ग्रे स्टोन होता है इंडिगो कलर का, जो व्हाइट कलर का शेड रहेगा वो ग्रे स्टोन में होता है। तो ऐसे जैसे ये हुआ, फिर इसमें इसको ही कंटिन्यू, डार्क कलर है नीचे, इसमें कंटिन्यू करने का, जैसे मैं कल बताया था आपको करके एक बार कलर चेंज करने के लिए, जैसे इसका डार्क कलर है तो डार्क कलर भी आ गया इधर। ओके ये डार्क कलर आ गया, इसके बाद अगर लाइट कलर देने का है तो एक व्हाइट स्ट्रिप छोड़ के, व्हाइट स्ट्रिप छोड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जैसे इधर एक व्हाइट स्ट्रिप छोड़ दिया मैंने। ओके फिर डार्क कलर है, फिर डार्क कलर के लिए हम लोग वापस उसके नीचे डार्क कलर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग को पूरा एक बार में ऊपर से नीचे तक कंप्लीट करने का है। फिर इधर ये साइड भी है, फिर जो थर्ड लेयर देगा हम लोग को ये वाला साइड डार्क कर देगा थर्ड लेयर में। ये हो गया, ये होने के बाद हम लोग साइमल्टेनियसली हम लोग को ये देने का रहेगा, जो लैंड हम लोग ने बनाया वो भी देने का रहेगा हम लोग को, जो इसका शेड पड़ रहा है, इसका जो शेड है वो भी उसी समय देना पड़ेगा हम लोग को, इससे कनेक्ट होना चाहिए बोर्ड से। फिर दूर के भी उसी समय दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ये बर्न डम्बर कलर से ज़्यादा अच्छा लगेगा, बर्न डम्बर कलर रहेगा उस पर अच्छा लगेगा, है ना? बर्न डम्बर कलर है ना? हाँ तो ऐसे ही थोड़े बहुत बनेगा। फिर दूर के बोर्ड के ऐसे ज़्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, ऐसे जो लाइन खींच देंगे तो बोर्ड डिपिक्ट करेगा। फिर बाद में व्हाइट कलर से थोड़े बहुत फ्लैग वो सब दे देंगे ऐसे। हाँ फिर अगर थोड़ा दूर में ऐसे थोड़ा वेव दिख रहा है तो एक दो लाइन ऐसे दे सकते हैं बस, और फिर फोरग्राउंड में थोड़ा बहुत डिटेलिंग कर सकते हैं ऐसे। ये मीटिंग 5-10 मिनट्स में एंड होगी, तो सेम लिंक जो मैंने आपको दिया उससे ज्वाइन हो जाएगा ऐसी, उसमें सारी डिटेलिंग की जरूरत नहीं, ऐसा रफ लगेगा। फिर थर्ड लेयर में सेम इसको डार्क करने का रहेगा हम लोग को, जो एक साइड से डार्क होता है, मैं बोला ये वाला पोर्शन डार्क हो जाएगा बाद में, क्योंकि ये साइड से लाइट आ रही है तो इससे डार्क रहेगा ये साइड से, वो सूखने के बाद होगा, ये सूखने के बाद देंगे हम। ऐसे हो गया, ये दूर के जो बोर्ड है उसमें ज़्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे ही होगा हम लोग पेंटिंग, फिर छोटे छोटे जो इंसान दिख रहे थे इधर, जो फिगरेटिव पेंटिंग्स है, फिर फिगर जो ड्राइंग है इधर, या हाँ हाँ या थैंक यू।
नहीं ऐसे सब पेंटिंग में करेंगे तो पेंटिंग फिर एक डर भी चले आता है और मालूम भी पड़ जाता है कैसे कैसा कलर पड़ेगा, प्लस आउटडोर पेंट अगर बाहर जाके पेंटिंग करेंगे तो फिर एक रफ स्केच बनाने से अच्छा लगेगा कि मतलब जो हमारे पास स्केच रहेगा वो प्रॉपर रहेगा। फिर ऐसे एक दो वायर, फिर एक दो ऐसे वायर देगा आएगा, बस रफली ऐसे ही होगा हम लोग। हाँ नहीं रफली ऐसे ही रहेगा तो बड़े पेंटिंग में आने के बाद और अच्छा लगेगा। हाँ हाँ समझा। ओके फटाफट बनाई हुई चीज अच्छी लगती है, फटाफट एकदम रैपिड में स्ट्रोक्स फास्ट पड़ते हैं ना। ओके तो मैं स्टार्ट अब बुट से करूँगा इधर से। ओके ठीक है तो जैसा मैंने बताया व्हाइट का व्हाइट अगर व्हाइट कलर पे शेड पड़ता है, यहाँ पे हाईलाइट है व्हाइट कलर का शेड पड़ेगा तो ग्रे कलर होगा, वैसे ही जो अगर ब्लू कलर पे शेड पड़ेगा तो डार्क ब्लू होएगा, तो व्हाइट पे ग्रे होएगा और फिर रेड रेड का रेड पे शेड पड़ेगा तो ब्राउन होगा, तो वैसे ही जो डार्क कलर उसके 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 हिसाब से होंगे। तो यहाँ पे व्हाइट कलर तो व्हाइट का डार्क कलर होगा इंडिगो कलर, मैं इंडिगो कलर दे रहा हूँ इधर, और इसमें पानी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि फ्लो दिखना चाहिए वाटर कलर का, पानी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ब्रश में और ब्रश ज़्यादा बड़ा नहीं, अराउंड 8-10 नंबर का ब्रश रहना चाहिए इसमें। फिर एक ट्रिक बताने का है मेरे को, एक सेकेंड, जैसे कि एक एक सेकेंड, जैसे कि एक राउंड है मतलब कोई गोल चीज है, कोई गोल चीज है उसमें कलर डायमेंशन देने का हम लोग गीले गीले में, तो जैसे कि हम लोग ने ये ऑरेंज कलर देता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये ऑरेंज कलर दिया मैंने, इसमें पानी ज़्यादा ना चाहिए, ये मैंने ऑरेंज कलर दिया और ऐसा मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि लाइट इधर से आ रहा है, लाइट इधर से आ रहा है, लाइट का सोर्स ये है, तो ये जो बॉल है बॉल पे डार्क डार्क किधर पड़ेगा, डार्क इसके हिसाब से इधर लाइट पड़ रहा है तो इसके उसके नीचे वाला पोर्शन में डार्क पड़ेगा, ये वाला पोर्शन डार्क रहेगा, तो उसको मर्ज करने के लिए अभी हम लोग को इसका ऑरेंज का कलर क्या रहेगा, रेड कलर रहेगा, रेड या फिर थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर रहेगा, तो गीले में ही हम लोग को इसमें ऐसे चलाना पड़ेगा तो मर्ज होएगा। ओके ऐसे इससे हम लोग को डायमेंशन पता चलेगा, इसमें मर्ज हो जाएगा, गीले में चलाएंगे तो मर्ज हो जाएगा, अगर सूखने के बाद चलाएंगे तो ऐसे पूरा गोल ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर से नीचे ऐसा गोल हो रहा है, लाइट और शेड से ऐसा मालूम पड़ता है कि हम लोग का जो शेप रहता है उसका डायमेंशन मालूम पड़ेगा। ओके तो सेम इसमें ही ऐसा है, ऊपर से ऐसे नीचे की ओर जा रहा है तो यहाँ पे लाइट रहेगा, यहाँ पे थोड़ा डार्क रहेगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं बंच आना कर दे रहा हूँ इधर, बंच आना कर दे रहा हूँ। ओके ये बंच आना कलर है, और जो इंडिगो कलर है उसे कनेक्ट करके देंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो इंडिगो कलर है उसमें मर्ज ऊपर से नीचे आएगा तो अच्छा लगेगा कनेक्ट होते हुए, और इधर भी कर दीजिएगा इसको। फिर इसके नीचे जो इंडिगो कलर हमारा जो इंडिगो कलर का मिक्सर बना हुआ रहेगा उसके नीचे ऐसा इंडिगो कलर डाल दीजिएगा, लाइट उसमें पानी रहना चाहिए उसमें ज़्यादा, नीचे तक इंडिगो कलर डाल दीजिएगा, ऊपर से मर्ज होते हुए मर्ज होना चाहिए ऊपर से, ऐसे ब्राउन से नीचे ब्राउन को लेके नीचे आ जाइएगा, ब्राउन उसमें इंडिगो कलर मिक्सर दीजिएगा उसको कलर वहाँ से नीचे की ओर लेके आ जाइएगा, ऐसे शेप पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो शेप रहेगा।
और जैसे मैंने बताया लाइट से डार्क करने के लिए, अब इसके ऊपर हम लोग डार्क कलर डाल देंगे थोड़ा। वो डार्क कलर मैं इसे बर्न सियाना और प्रूसियम ब्लू से बना रहा हूँ। नीचे की ओर यहाँ पे इतना देने के बाद यहाँ पे डार्क कलर, उसमें पानी कम होना चाहिए डार्क कलर देते वक्त। क्या? हाँ, वेट में करने का है। ये डार्क कलर, ये इंडिगो कलर करने के बाद डार्क कलर दे रहा हूँ, जो मैं प्रूसियम ब्लू और बर्न सियान से मिक्स किया हूँ मैंने। और ये वेट में, हाँ वेट में देंगे तो ही मर्ज होगा, नहीं तो मर्ज नहीं होगा। थोड़ा सा ब्राउन पे भी डार्क कलर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा इधर ये साइड है जहाँ पे लाइट पड़ता है वो साइड में ऐसे। और उसमें जब डार्क कलर डालेंगे उसमें पानी बहुत कम होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए और डार्क कलर थोड़ा होना चाहिए। ओके हुआ यहाँ तक। हेलो निर्मला मैम, आपका हुआ यहाँ तक? ओके तो जैसा मैंने बोला था, बोर्ड को कनेक्ट करते हुए एक बर्ड टम्बर का पूरा लेयर हम लोगों को लैंड का देना पड़ेगा। ओके हाँ मैम दे रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ करके बता रहा हूँ। नहीं फ्लैट ब्रश नहीं, सी राउंड ब्रश चलेगा, फ्लैट ब्रश से इधर नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। और पानी इसमें रखिएगा थोड़ा ज्यादा, अगर ऐसे बोर्ड से थोड़ा बहुत कनेक्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ ये जैसे इतना पूरा लैंड दिख रहा है ना, ये लैंड इतना फोटो में। फिर एक काम कीजिएगा, जो सैफ्रन कलर है सैफ्रन को लेके, सैफ्रन का उसमें पानी नहीं होना चाहिए, सैफ्रन सिर्फ सैफ्रन कलर लेके
ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चला दीजिएगा, ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी। हाँ उसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए उसमें। इसको थोड़ा शेप में अच्छा आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि बीच एक एजेस है, एजेस अच्छे से आने चाहिए बीच के, जो कॉर्नर्स के एजेस है। ये करने के बाद जो बैकग्राउंड का बोर्ड है वो भी साथ में कर लीजिएगा, उसमें ज़्यादातर इंडिगो कलर यूज़ होगा, इंडिगो कलर का जो मिक्सर बना हुआ रहेगा उसी से हो जाएगा। नीचे वाले में नहीं, मैंने बर्न सियाना में थोड़ा सा वॉलेट मिक्स किया है। नीचे की ओर आते हुए थोड़ा डार्क रहेगा तो अच्छा रहेगा। और फिर जो दूर का जो है तो उसमें ज़्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, लाइट इंडिगो कलर से, लाइट इंडिगो कलर, ये इंडिगो कलर है, थोड़ा सा वॉलेट कलर भी मिक्स कर सकते हैं, वॉलेट कलर तो थोड़ा ब्यूटी आएगा वॉलेट कलर से। हाँ उसमें पानी ज़्यादा रखिएगा, ऊपर से नीचे तक पानी रहना चाहिए, और ऊपर से नीचे जा नीचे तक आने आने तक पूरा कनेक्ट होके आना चाहिए, बीच में कट नहीं होना चाहिए कहीं पे, मतलब ऊपर मत उठाइएगा, पानी को नीचे लेके आ जाइएगा पूरा, लाइट टू डार्क। ग्रे, ये मैंने ग्रे कलर लिया है और बीच बीच में मैंने कई वॉलेट लिया, जैसे मैंने कल बताया था कि बीच बीच में कलर कैसे चेंज करने का है वो, वैसे मैं यहाँ पे इंडिगो कलर लिया है, फिर थोड़ा सा नहीं पेंट्स ग्रे नहीं है और वॉलेट कलर है, वॉलेट इंडिगो और वॉलेट। हाँ फिर उसके नीचे यहाँ पे इतना करने के बाद डार्क कलर है, तो डार्क कलर वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हाँ डार्क वाले में पानी कम होना चाहिए, ऊपर से नीचे है वो पानी नीचे आते रहेगा वो। यहाँ तक ऐसे लागे छोड़ दीजिएगा, फिर ये साइड भी है थोड़ा सा। मैंने डार्क में थोड़ा सा क्रिम्सन कलर भी मिक्स किया है, डार्क में क्रिम्सन कलर अच्छा लगा है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि डार्क में क्रिम्सन कलर थोड़ा अच्छा लगता है। और डार्क कलर करते हुए पानी कम होना चाहिए ब्रश में, अगर डार्क कलर करते हुए ब्रश में पानी ज़्यादा रहेगा तो जो डार्क कलर रहता है वो ओपेक रहना चाहिए, नहीं
नहीं तो पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा और लाइट हो जाएगा, पानी ज्यादा रहेगा तो। हाँ मिक्स नहीं करने का, जैसे यहाँ पे कट है ना थोड़ा इसको या इस ऐसे। हाँ हाँ फिर एक दो ऐसे लाइन ऊपर की ओर। कौन सा ये वाला? इसमें मैंने डार्क, ये जैसे मैंने डार्क जो कलर इंडिगो कलर और वॉयलेट कलर का मिक्सर में है, थोड़ा सा क्रिम्सन यूज़ किया बस। डार्क कलर में थोड़ा क्रिम्सन यूज़ कर सकते हैं इंडिगो कलर में। फिर जब वेट ऑन वेट ही रहेगा तो उसके विंडोज भी दे दीजिए, विंडोज और जो डोर्स दिख रहे हैं, जो बाउंड्रीज दिख रहे हैं शिप पे। हाँ तो सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो ऊपर का शेप है ऐसे एक दो लाइन दे दीजिएगा, फिर पीछे वाले बोर्ड का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बस। यहाँ पे मैं 2 मिनट वेट करता हूँ थोड़ा ड्राई होने का, फिर शायद अभी मीटिंग एंड थोड़ा इसमें डिटेलिंग होना चाहिए, थोड़ा मतलब वेट एंड वेट होना चाहिए पीछे वाला सारा काम, तो मर्ज हो जाएगा। मैंने ग्रुप पे फोटो सेंड कर दिया। ओके यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद बोलिएगा। हेलो सुवर्णा, आप कर रहे हो क्या? इतना होने का गायब होने के लिए देने लीजिएगा।
लास्ट दो मिनट वेट कर रहा हूँ मैं इधर अभी, क्योंकि मैं अभी जाए पूरे मैं आगे बढ़ूँगा। ये कि मेरा रफ ऐसा लग रहा है, ये रफ है ओके, तो ऐसा ही कुछ ऐसा ही होगा हम लोग का मेन पेंटिंग। ऐसा एक लेआउट बनाने से बहुत मदद मिलती है ओके। हाँ हाँ बोलिए, हो गया यहाँ तक ठीक। इसको ड्राई अप होने दे रखिए दो मिनट लिए, हो जाएगा। इसके बाद पीछे से हम लोग करते आएंगे काम सारा, पीछे के सारे काम लाइट लाइट में होंगे, थोड़ा ब्लरी इफेक्ट्स, ब्लरी ब्लर ब्लर। आई थिंक इस बार मीटिंग एंड नहीं हुआ, 40 मिनट्स हो गए फिर भी। अरे आज मीटिंग एंड नहीं होगा क्योंकि आज मैं शायद नया फ़ोन चाहिए, दूसरे फ़ोन चाहिए, आज नहीं होगा, आज नहीं होगा ओके। हाँ हाँ दूसरा, हाँ अकाउंट दूसरा ही है या। ओके तो बैकग्राउंड में जो है एकदम सारी लाइट लाइट में, जैसे मैं इंडियो मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में इंडियो कलर यूज होंगे और थोड़ा डार्क ब्लू कलर यूज होंगे, बीच बीच में एकदम येलो में थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स, फ्लैक्स दो फ्लैक्स है थोड़े बहुत पॉइंटेड येलो कलर, ये सब यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये लाइट इंडियो कलर है क्योंकि पीछे पूरा फॉगी फॉगी दिखने का, तो मोस्ट फॉगी में वॉयलेट और इंडियो कलर ही ज़्यादा यूज होते हैं जो फॉग वो सब पेंटिंग में, फॉग की पेंटिंग्स में ग्रेस इफेक्ट रहता है पूरा, तो मोस्टली इंडियो कलर और ब्लू और वॉयलेट ये सब यूज होता है। सिर्फ थोड़ा पॉइंटेड इसमें थोड़ा जीरो नंबर का राउंड ब्रश, एकदम पतला ब्रश यूज कीजिएगा ओके। फिर जो जो चीज़ बनाएंगे, जैसे ये बोर्ड बनाया उसका रिफ्लेक्शन पक्का दीजिएगा, रिफ्लेक्शन अच्छे से दीजिएगा, नीचे की ओर पैच नीचे की ओर आना चाहिए, जैसे मैं बताता हूँ एक करके दिखाता, जैसे कि ये बोर्ड डार्क कलर से बना है, इधर पानी इसमें है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं है, पानी है बाद में लाइट हो जाएगा। ये बोर्ड जैसे बनाया तो उसका रिफ्लेक्शन उस वही जो बोर्ड है उसके पानी को नीचे लेके ऐसे आ जाइएगा। पीछे तो एकदम छोटे छोटे डार्क कलर में फिगरेटिव फिगर से, तो उसके थोड़ा डार्क कलर में कर सकते हैं, फिगर जैसे ही है थोड़े बहुत। ओके तो सेम वे में थोड़ा बहुत सेलिन ब्लू कलर यूज कर सकते हैं इधर हम लोग, सेरेडियम ब्लू यूज करो, डार्क सेरेडियम ब्लू है बोट में, एक दो रेड कलर भी यूज कर सकते हैं, रेड कलर का एक दो बोट।
एक दो येलो कलर, येलो कलर में वाइट वाइट कलर मिक्स करके यूज कीजिएगा तो दिखेगा येलो कलर, नहीं तो बैकग्राउंड में येलो कलर दिखेगा ही नहीं। जैसे मैंने येलो में थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करके यूज किया है इधर, चाहे बीच में छोटे मोटे बीच में डॉट्स जैसे दे सकते हैं क्योंकि फ्लैग फ्लैग लगेगा जो इसके बोर्ड्स के फ्लैग जैसे होते हैं। हाँ मैंने प्रिंट निकाला हुआ है। प्रिंट निकालने से थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। ऐसे बीच में दो तीन येलो के डॉट्स देने के बाद दो तीन बाम्बू जैसे मैं डार्क कलर से एक दो लाइन ऐसे खींच दीजिएगा बस हो जाएगा दूर के बोर्ड के लिए। पतले पतले होने चाहिए एकदम, और रिफ्लेक्शन देना मत भूलेगा, सब सब सबके रिफ्लेक्शन आने चाहिए नीचे एक ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे लाइन डार्क कलर से। जैसे बीच में एक दो डार्क पॉइंट्स जैसे दे सकते हैं, कुछ होगा पीछे बैकग्राउंड में शायद सोचिए। जो बाम्बू ये सब जो ऊपर हम लोग लिस्टिक्स दे रहे हैं उसके रिफ्लेक्शन आने चाहिए नीचे, जैसे इसका है तो इसका ये अच्छे, इसका है तो इसका ये साइड आएगा। फिर दो जो दूर के बीचे से उसके उसमें बर्न टम्बर कलर सिर्फ बर्न टम्बर कलर यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक पतली लाइन से इसमें पानी कम रखेंगे तो भी चलेगा। और नीचे की ओर थोड़ा डार्क कलर लेके जैसे बर्न सियाना या फिर रॉ अम्बर देगा, सीपिया कलर भी अच्छा है। हाँ बर्न टम्बर और नीचे की ओर थोड़ा सा बर्न सीना यूज करा मैंने नीचे की ओर। एक फिर एक लाइट इंडिगो कलर से एक लाइन है बीच में, जैसे एक वेव का जैसे लाइन जाता है एक वेव का से एक लाइट इंडिगो कलर से, तो लाइट इंडिगो कलर से पड़ जाएगा। डार्क नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक बीच है, बीच येलो कलर जैसा डार्क नहीं होना चाहिए, सम लाइट लगे वेव ऐसा लगना चाहिए।
फिर नीचे की ओर ऐसे एक दो लाइन बना सकते हैं उसको कलर को लेके, ऐसे कलर को लेते हुए। यहाँ तक कंप्लीट करिए पहले, यहाँ तक हो गया। हाँ हाँ ओके, तो यहाँ पे रुकता हूँ। हाँ 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 यहाँ पे रुक रहा हूँ मैं 2 मिनट। मैं फिर से फोटो भेज दिया। ने व्हाट्सएप पे भेज दिया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया मैम आपका?
तो क्लोजअप में देख सकते हैं कैसा लग रहा है, थोड़ा क्लोजअप में। हाँ उसको, हाँ उसमें करने का पेट बता रहा हूँ मैं भी। ओके तो ये बोट है, हाँ मैंने बताया था। और मैंने ऐसे वाइट गीले में वाइट मैंने छोड़ दिया था, वाइट टच कर दिया था मैंने सिर्फ। हमारा मेन काम लेफ्ट साइड, जो भी पूरा मेन काम था पूरा लेफ्ट साइड का ही था। ओके हो गया कंप्लीट आज तक। हेलो आशुतोष, आपका हाथ कंप्लीट हो गया? ओके लेकिन आगे बढ़ता हूँ। ये इसमें थोड़ा सा येलो कलर का है, ये जो बोर्ड है सेकंड वाला छोटा सा जो बोर्ड दिख रहा है इधर, लेमन येलो कलर है, लेमन येलो। उसमें लेमन येलो में काम कीजिए। ये गैम्बोस है आपके पास? गैम्बोस, हाँ गैम्बोस में थोड़ा सा व्हाइट मिक्स कर लीजिएगा। ओके और जो ये साइड से लाइट आ रहा है तो ये साइड गैम्बोज में व्हाइट, और यहाँ पे ऑरेंज और ब्राउन करके थोड़ा डार्क ही कलर आएगा। और थोड़ा सा इसमें ऑरेंज कलर मिक्स कीजिएगा बाद में ऐसे करके कॉर्नर पे। बर्न शाइन, हाँ बर्न शाइन यूज करती है दूसरी साइड और नीचे वाली साइड में। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है फिर पेंटिंग जाके अच्छा बनता है। मैं हाथ में जगह नहीं बचता तो कभी कभी मैं मुंह से पकड़ लेता थोड़ा सा। ओके तो इसमें है तो नहीं, लेकिन अगर एक दो ऐसे एक स्ट्रिप्स दे देंगे तो अच्छा लगेगा इसमें ऐसे लग दे। कोई कोई चीज़ ऐसे होते कि जो नहीं भी रहते लेकिन उसमें ऐड करने पे अच्छा लगता है तो ऐड कर सकते हैं, और कोई चीज़ ऐसे होते उसमें है तो उसको एडिट कर सकते हैं। उसके लिए अलग से एक पेपर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक ब्लैंक पेपर पे। ओके फिर ये बोर्ड के बाजू में थोड़ा शेडो पड़ रहा है ऊपर वाले बोर्ड का, ये जो शेडो पड़ रहा है उस शेडो को थोड़ा देने का इंडियो कलर से, वो भी लाइट ऑलमोस्ट इंडियो कलर ही है, इंडियो कलर से ऐसे बीच बीच में एक दो लाइन छोड़ के बस हो गया। ओके हाँ ओनली इंडिगो, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें। हाँ ओके अब जो थोड़ा बहुत काम इधर होगा फिर वो पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो इधर मैं इंडियो कलर, नहीं तो जो पुष्टियन ब्लू है उसका डार्क, नहीं तो और एक है इसमें पुष्टियन ब्लू में थोड़ा सा बर्न टंबल मिक्स कीजिएगा, पुष्टियन ब्लू में थोड़ा सा बर्न टंबल कलर। ओके और एकदम लाइट कलर आना चाहिए, एकदम लाइट पानी बहुत उसमें, पानी जितना हो सके उतना लाइट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे इसका जैसे लाइन देने का है ऐसे। हाँ बन टंबर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे एक दो पैच देने के, और पानी ज़्यादा लिया ऐसे दिख रहा होगा, पानी मैंने ज़्यादा लिया इसमें।
हाँ पानी ज़्यादा होना चाहिए। हाँ जो मैं कर रहा हूँ अभी। हाँ आशीष ग्रीन नहीं है, बर्न अंबर में थोड़ा सा प्रूशियन ब्लू मिलाएंगे तो ऐसे ही इफेक्ट आएगा। नहीं नहीं डार्क कलर वॉलेट कलर यूज कर सकते हैं, इंडियो कलर, ऐसे दो तीन ऐसे डॉट्स बस। अच्छा अच्छा लग गया, पास में है तो अच्छा लग गया, पास में दूर में ही पास में थोड़ा डिटेलिंग होना चाहिए। थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा ब्लर कर सकते हैं आजू बाजू में थोड़ा सा। थोड़ा बहुत ऐसे ड्राई ब्रश से आजू बाजू ऐसे थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा वो लग गया, थोड़ा टेक्सचर लग गया, थोड़ा पानी का थोड़ा इफेक्ट आएगा। ऐसे डार्क कलर दे के ऐसे नीचे की ओर फ्लो कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। हाँ वॉलेट कलर इंडियो कलर पास में तो थोड़ा डिटेलिंग लगेगा ऐसे में, पास में ना फिर बीच में डार्क कलर से दूर में एकदम ऐसे एक दो लाइन खींच सकते छोटे मोटे। मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसे पेबल्स जैसा दिया है थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कलर से। ए, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया पेंटिंग। हाँ एक काम बाकी है, ये वायर पतले पतले वायर जा रहे हैं वो देने का, वो सावधानी से वो थोड़ा वो सब फिनिशिंग तक देने से अच्छा लगेगा और अच्छे से आना चाहिए वो, तो उसमें मोटा वायर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा क्या। हाँ हाँ पूरा यहाँ से चालू कर, हाँ ब्रेक होएगा तो फिर वो लगेगा थोड़ा अलग लगेगा तो सीखेगी। अच्छा बीच में टूटता है तो थोड़ा मैं ऐसे 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 करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे लाइक दिस, मैं ऐसे ऐसे रहता है तो
ऐसे ये वाला जो लास्ट फिंगर रहता है उसको मैं ऐसे रखता हूँ पेपर पे, ये जो लास्ट फिंगर रहता है वो ऐसे रहता है और ब्रश ऐसे तो ये ऐसे दो तीन वायर हो गए। थोड़ा ह्यूमन ह्यूमन फिगर पेंटिंग में थोड़ा कलर कलरफुल बना सकते हैं अगर आप चाहे तो, बाद में वाइट कलर यूज करके उसमें थोड़ा दूसरा कलर चेंज कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। ऐसा साइकिल देना जरूरी नहीं है, अगर ऐसे मैंने दे दिया उसमें फोटो में था। और थोड़ा लुक बढ़ाने का है तो इसमें जैसे क्या नहीं ऐसे नहीं ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पे नहीं वर्ड्स नहीं है, ऐसे थोड़ा बहुत मैं ऐसे दिया ब्रेकडाउन के लिए, थोड़ा ब्यूटी के लिए। यहाँ पे कुछ जैसे बोर्ड पे कुछ लिखा रहता है तो ऐसे थोड़ा ब्यूटी के लिए हम लोग दे सकते हैं कलर से, जैसे मैं रेड कलर दे रहा हूँ इससे थोड़ा ब्यूटी बढ़ेगा। हाँ इससे थोड़ा कलर 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 ऐड हो जाएगा और प्लस अच्छा भी लगेगा। बाद में सिर्फ व्हाइट कलर से लास्ट फिनिशिंग टच देने का रहेगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा। एक दो ऊपर पाइप जैसा दे सकते हैं, ऊपर बांबू जैसा जो रहते हैं ऊपर वाइट से। वाटर के रिफ्लेक्शन में एक दो ऐसे पतले पतले लाइन दे सकते हैं। आई थिंक मेरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो मैं फोटो भेज दूंगा, आप अपने वर्क अभी दिखा सकते हैं तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा बता सकता हूँ और क्या इसमें और क्या जा सकते हैं।